अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम सुस से निकले हैं और खुंजराब की तरफ। ट्रैफिक बिल्कुल ही नहीं है क्योंकि यहाँ से आने जाना बंद हो चुके हैं। सो मैं अकेला हूँ, पिछले एक घंटे से चल रहा हूँ और एक ही गाड़ी गुजरी है, सिर्फ और सिर्फ एक गाड़ी। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि मैं कितना अकेला हूँ और अपने मिशन के लिए चल रहा हूँ, पाकिस्तान के लिए। आज 66वां दिन है। सो आज हम एक चौकी पर गुजारा करेंगे। आगे बताया गया कि एक चौकी है वहाँ पे, इंशाल्लाह। उसके बाद फिर हम आगे निकलेंगे। खुंजराब की तरफ, टॉप की तरफ। सो मेरे आखिरी दिन चल रहे हैं सफ़र के। आप दुआ करें ज़्यादा से ज़्यादा। ये कुछ सुनसान है इसलिए थोड़ी घबराहट भी हो रही है, लेकिन ये जो मंजिल है उसे पाना तो ज़रूर ही है। मंजिल को भी पाना है और मिशन भी पूरा करना है, अपनी ख्वाहिश भी पूरी करनी है पाकिस्तान के लिए। इतना तो कर ही सकते हैं। एनीवे दुआ करते रहें, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम। आज सुस से निकले हुए, दूसरा दिन है। दहेज से निकल रहे हैं हम, सुबह का टाइम है, धूप निकली हुई है, अच्छा मौसम है, तो हम इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे अगली चौकी तक। तो मेरे ख्याल में हमारे साथ गाड़ी भी है, वो इसलिए क्योंकि गाड़ी के बिना वो छोड़ नहीं रहे थे। मैं गाड़ी पे नहीं चल रहा, मैं चल रहा हूँ पैदल। ये गाड़ी मेरे साथ साथ इस वजह से है जहाँ मैं बैठूँ और गाड़ी के अंदर बैठूँ, क्योंकि जमने का बहुत ज़्यादा ठंड है, माइनस में है, तो इसलिए मुझे बिना गाड़ी के पुलिस वालों ने भी नहीं छोड़ा। गाड़ी आपके साथ होगी। सो मेरे के साथ गाड़ी भी है, तो मैं पैदल भी चल रहा हूँ। इंशाल्लाह खुंजराब हम इंशाल्लाह मिशन पूरा करेंगे। तो थैंक यू सो मच, याद रखें। बिल्कुल बर्फ़ बनी हुई है और माइनस
बहुत ज़्यादा ठंड है यार। आखिरकार हम पहुंच गए अपने मिशन में। दोस्तों की दुआओं की वजह से कुंजरा पास, कराची से कुंजरा पास। माशाल्लाह आओ भाई, इस कंध पे 16,000 फीट 16,000 फुट। तो ऐसे थैंक यू सर, मेहरबानी। ये वर्ल्ड हाईएस्ट स्टेडियम है पाकिस्तान, पाकिस्तान में। तीन दिन लगे वहाँ से नीचे से यहाँ तक पहुँचने में, 3 दिन। तो मत मारी गई यहाँ पे ठंड। माइनस कितना होगा यहाँ पे? अभी दिन में 7 है, मतलब कि शाम के टाइम तो 15 तक पहुँचता होगा। अभी चेक करते हैं ना अभी। हाँ तो मुझे बिल्कुल चक्कर आ रहे हैं और तस्वीरें भी साथ क्लिक होगी ना, उसके साथ तस्वीरें भी बन जाती है। ठीक है, वीडियो कर दूं बंद? मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करूँगा, उसने मुझे ताकत दी यहाँ आने तक। उसके बाद मैं अपने दोस्तों का, जिन लोगों ने मेरे लिए दुआ की और सपोर्ट किया हर जगह पे, आपसे वादा किया था मैंने झंडा लगाऊंगा और मैंने अपना वादा पूरा किया। कुंजरा पास आज 69 दिन हो गए यहाँ तक, तो 3 दिन लग गए मुझे यहाँ से यहाँ तक। तो ये सब अचीवमेंट मैं सब दोस्तों के नाम करता हूँ जिनने मुझे हर जगह सपोर्ट किया। बाकी ये जो पीसफुल पाकिस्तान का जो मिशन था, ये मैं पाक फौज को जो है डेडिकेट करूँगा, क्योंकि उनकी वजह से ये पीसफुल पाकिस्तान जो है मेरा मिशन पूरा हुआ। और अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करूँगा, मुझे कहीं भी किसी भी किस्म का कुछ भी हर जगह कुछ भी कुछ लोगों ने तंग नहीं किया कहीं भी। ये बाद में भी बताऊँगा, तंग करने वाले भी थे, ये बाद में बताऊँगा मैं। एनीवे अल्लाह ताला का शुक्र है, लोग मुझे मेहमान नवाज मिले, चाहे वो सिंधी है, चाहे वो बलोच के हैं, चाहे वो पंजाबी है, चाहे ये वो पख्तून है, सब लोग अल्लाह ताला का शुक्र है, सब ने मुझे प्यार दिया। और मैं ये जो है सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के नाम करूँगा, मैं ख़ास लोगों का नाम लूँगा जिनने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया। एक ज़ीशान भाई हैं, बहुत अच्छे वक्त में उनको याद इसलिए करूँगा क्योंकि उनकी सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। क्योंकि बीच में जो मुश्किल आई थी या उनकी वजह से मैंने हल किया था। उसके बाद आते हैं ज़ैनुल आबिदीन, जो कोहिस्तान के इलाकों में भी मुझे गाइड करते रहे कि क्या आपको ज़रूरत पड़ेगी क्या। उसके बाद आते हैं मिर्ज़ा इयास साहब, उसके बाद लतीफ़ भाई, उसके बाद तहर भाई, उसके बाद सुहेल हमीद खोकर साहब। ऐसे बहुत से दोस्त हैं जिनने मुझे हर जगह गाइड किया और हर तरह की मुश्किल के लिए मुझे तैयार रहने को कहा। तो थैंक यू सो मच, ये मेरा आखिरी पैगाम है। इंशाल्लाह अगले मिशन में मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि क्योंकि अगला मिशन है मेरा दरख्त लगाना ग्रीन पाकिस्तान के लिए, वो भी मैं कराची से शुरू करूँगा और खुंजरा पास तक हर शहर में मैं दरख्त लगाऊँगा इंशाल्लाह, वो भी अपने इस पर करूँगा। अगर कोई स्पॉन्सर मिला तो जी बिस्मिल्लाह, अगर ना मिला तो इंशाल्लाह वो भी मैं अपने इस पर करूँगा। तो दुआ करते रहें अगले मिशन के लिए भी। तो तमाम लोगों का शुक्रिया, दोस्तों का, मेरे वालिदैन का। हाँ, थैंक यू सो मच। इधर से नजर नहीं आएगी।